नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तगणों, आज के वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे माघ महीने की शुक्ला पक्ष की एकादशी व्रत कथा। सर्व सिद्धि प्रदायक माघ मास के शुक्ला पक्ष की इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत में भगवान कृष्ण की केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत पिशाच आदि निष्कृत योनियों में जाने का भय नहीं रहता और अनेकों जन्म के पाप नष्ट होकर इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। भगवान केशव के चरण कमलों में ध्यान लगाकर कथा को पूरा श्रद्धा भाव से प्रसन्नचित मन से अवश्य सुनिएगा, आपके अनेकों जन्म के पाप नष्ट होगा, इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होंगे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजा, माघ मास की शुक्ला पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है, अतः इस एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य करता था। वहाँ अमृत का पान कर नंद वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमन कर रहा था, उन्हें नाचने लगा। जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्प दंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का मल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की मल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामवान से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि के द्वारा मल्यवान को बस में कर लिया। हे राजश्री, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी, उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर मल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया, अतः ये दोनों कामदेव के बस में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यद्यपि वह नाच गा रही थी, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगे। उनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि हे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था, उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा न आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिस कारण उनके रोमांच खड़े हो गए, उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी या पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नर्क के दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार अनेक विचारों करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ला पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी।
दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा को गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनका अपने प्रथम रूप में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपने पिछले जन्म से किस प्रकार छुटकारा पाए, सो सब मुझसे कहो। इस पर मल्लवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिचास योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे मल्लवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिचास के देह छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी बंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग है। अतः आपको धन्य है, धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब तप यज्ञ दान आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। मिलकर बोलिए श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। जय एकादशी व्रत पूजन विधि। साधक को इस दिन व्रत स्नान करके स्वास्तिक रहकर भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र चंदन जनेऊ गंध अचर पुष्प तिल धूप दीप नवद ऋतुफल पान नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती उतारनी चाहिए। रात्रि में भगवान हरि का जागरण करें एवं द्वादशी के दिन गरीबों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों की मदद करें, स्वास्थ्य भोजन करें एवं किसी भी प्रकार के विकारों से खुद को दूर रखें। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त। पांचांग अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी को सुबह 8:50 से 20 फरवरी को सुबह 9:52 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा। वही पारण करने का शुभ मुहूर्त 21 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 6:55 से लेकर सुबह के 9:11 तक है। इस दौरान आप पारण कर सकते हैं। इस बार जया एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन आयुष्मान योग के साथ त्रिपुष्कर और प्रीति योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग दोपहर 12:13 से पूरे दिन रहने वाला है।